चलिए चरण सिंह हमारे एक और दर्शक कोटा से हमें फोन कर रहे हैं। चरण सिंह जी पूछिए, क्या सवाल आ रहा है जहन में? सर नमस्कार, सर मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जो ये जो वैक्सीन है सर, अगर हम लगवा लेते हैं तो इस चीज की श्योरिटी हो जाएगी कि आपको कोरोना नहीं होगा, और या फिर ये चीज के लिए कि आप अगर ये वैक्सीन लगवाते हैं इन फ्यूचर आपको कोरोना होता है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? डॉक्टर एन एन खन्ना, देखिए वही सवाल, ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है कि वैक्सीन लगवा ली तो कोरोना नहीं होगा क्या? देखिए कोई जैसे कोई भी वैक्सीन है वो समझ लीजिए 70-90% इफेक्टिव है। ये नहीं है कि आपने लगा ली तो रामबाण हो गया कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन 90-95% चांस है कि आपको कोरोना नहीं होगा, या होगा तो उसकी सिवियरिटी कम होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, कोई भी वैक्सीन 100% आपको प्रोटेक्ट नहीं करती है जब तक कि पूरी कंट्री ना इम्यूनाइज एक साथ हो जाए या सारे लोगों के पास वो इम्यूनिटी हो, बट 90-95% अगर एफिकेसी है किसी वैक्सीन की तो वो सबसे टॉप की वैक्सीन होती है जिसमें ये होती है, वैसी ये वैक्सीन है। तो कोरोना ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, अपनी लापरवाही शुरू कर दें, लापरवाही आप नहीं कर सकते, ठीक वो है। आपको वो उस तरह का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना पड़ेगा, बट वैक्सीन। अच्छा डॉक्टर खन्ना, आप लोग कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा देश में? ICMR के DG बलराम भार्गव को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। हाँ, 1-2, जैसे कल भी ये सवाल पूछा था किसी ने कि 1-2 हफ्ते लगेंगे, जब तक वैक्सीन बनी हुई रखी है, अभी करीब करीब 5 मिलियन डोजेज हैं कंट्री में, बट उसको उसकी ड्राई रन चल रहा है, उसको प्रोसेस में लाना और उसको एग्जीक्यूट करने में 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, बट बड़ी जल्दी ही शुरू होगी। सारी प्रोसेस हर जगह शुरू हो गई है, ड्राई रन शुरू हो गए हैं, तैयारी शुरू हो गई है, अब 1-2 हफ्ते में वो लगना शुरू हो जाएंगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।